एक बार की बात है, कई सालों पहले नगर खजूरा नाम का एक गांव हुआ करता था। समुद्र के अत्यधिक पास होने के कारण वहां के सभी लोग पानी से जुड़े हुए काम को करकर अपनी रोजी रोटी कमाते थे। उन्हीं में से एक था भीमा मछुआरा, जो कि समुद्र के किनारे से मछलियां पकड़ने और उन्हें बेचने का काम किया करता था। अगले दिन समुद्र के किनारे के पास, आज तो समुद्र के किनारे बहुत सारी मछलियां पड़ी हैं। लगता है कल कोई बड़ी लहर आई थी भैया। हाँ किशन, लग तो यही रहा है। आजकल समुद्र में भी बहुत उफान आने लगा है भैया, पहले की तरह शांति नहीं रहती। लेकिन हमारे तो किसी भी फायदे की नहीं, ये मछलियाँ तो कल की मरी पड़ी होंगी। बाजार में हम सिर्फ ताजा मछलियाँ ही बेच पाते हैं। चलो तुम अपना जाल लगाओ, मैं अपना लगाता हूँ। आज का काम शुरू करते हैं। भीमा और किशन दोनों बचपन से ही एक साथ रहते थे। वह दोनों एक दूसरे के बड़े अच्छे पड़ोसी और दोस्त भी थे। अब जैसे ही वह दोनों अपने दिन का काम खत्म करके घर लौट रहे थे, रास्ते में कुछ लोग हंसते हुए महेंद्र से कहते हैं, अरे भीमा, फिर से तुम काम करके इतनी रात को जा रहे हो है? ना तो तुम्हारे कोई औलाद है और ना किसी प्रकार का कोई खर्चा, फिर रात दिन इतना काहे मरते रहते हो काम के पीछे। हाँ हमें देखो, कितना भी कमा लें लेकिन परिवार के खर्चे पूरे ही नहीं होते, लेकिन संतान होने में सुख तो है। भीमा की शादी को 10 साल हो चुके थे, लेकिन उसकी अभी तक कोई भी औलाद नहीं थी। गांव वाले व्यक्तियों की ऐसी बातें सुनकर भीमा को बहुत बुरा लगता था, लेकिन फिर भी वह चुप्पी साधे रखता है। तभी किशन गुस्से से बोल पड़ता है, तो इसमें हंसने वाली कौन सी बात है, है? ये तो भगवान की देन है। अभी नहीं है तो क्या हुआ, संतान भी हो जाएगी, लेकिन फिर तुम लोग किसे ताना मारोगे? अरे हम तो बस इतना कह रहे थे कि अब बुढ़ापा आ चुका है, इतना तो कमाई कर ही लिए होंगे भीमा भैया की बाकी का जीवन सुकून से कट जाए है? आजकल तो किसी को सलाह देने का जमाना ही नहीं रहा भैया। हाँ अगर ये कुछ छोड़ दे तो हम जैसे नए मछुआरे भी कुछ आमदनी करें, लेकिन सारी मछलियाँ तो ये ले जाते हैं। तो सीधे सीधे कहो ना ये बात है, भीमा की तरक्की से तुम्हें जलन होती है, उस बात को घुमा फिरा कर करने की क्या जरूरत है, और आइंदा परिवार को बीच में मत लाना, समझे? अब रहने दो किशन, इनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं, चलो घर चलते हैं यार, देरी हो रही है। वहां से जाते वक्त बसंत सुंदर से कहता है, यार तुम भीमा को इतना नापसंद क्यों करते हो, जब भी उसे देखते हो तो गुस्से से लाल पीले हो जाते हो। अरे कुछ नहीं, बस मैं बचपन में हर चीज में इससे अच्छा था, इसके बाप दादा हमारे यहाँ से उधार मांगा करते थे, और आज देखो सारे गांव के लोग इसकी बात सुनते हैं और हमें कोई पूछता तक नहीं। अच्छा तो तुम्हें उसके पैसे से जलन है, समझ गया समझ गया। लेकिन एक बात बताओ, उसके पैसे ना होने से बच्चे का क्या लेना देना? वही तो बात है, किसी को बताओगे तो नहीं, तो फिर तुम्हें बता ही देता हूँ, भीमा के कभी भी बच्चा नहीं होगा। लेकिन तुम इतना यकीन से कैसे कह सकते हो भैया? क्योंकि मैंने ही एक तांत्रिक से विद्या पढ़ाई हुई है कि उनको कभी बच्चा ना हो। सुंदर की ये बात सुनकर बसंत दंग रह जाता है, पर डर के कारण कुछ नहीं कहता। भीमा बचपन से ही मछुआरे होने का काम कर रहा था, वह अपने काम में बहुत माहिर था और उसकी आमदनी सभी मछुआरों से काफी ज्यादा थी। पैसे की उसे ज्यादा कोई कमी थी नहीं, परंतु फिर भी संतान ना होने के कारण उसके जीवन में एक सूखापन था। उन व्यक्तियों की बातें उसके दिमाग में गूंजती रही और वह उदास होकर घर पहुंचा, लेकिन उसे अभी पूरी सच्चाई पता ही नहीं थी। क्या हुआ जी, आज आप इतने उदास क्यों हैं? कुछ नहीं रमा, क्या तुमने खाना लगा दिया? जी मैंने खाना कब का लगा दिया है, आप मुंह धोकर खाना खा लीजिए। मैं जानती हूँ आप किसी बात से परेशान हैं, लोगों का तो काम है कहना, अब उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए, इससे आपकी सेहत पर असर पड़ेगा। हाँ रमा मैं जानता हूँ, मुझे इन लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दिन ब दिन हमारी उम्र भी तो बढ़ती जा रही है। भगवान एक ना एक दिन सबकी सुनता है, बस आप उसका नाम लेकर आराम से सो जाइए,
इस बात की ज्यादा चिंता मत करिए। अब तो मैंने सब ऊपर वाले पर ही छोड़ दिया है। यह बात करके रमा और भीमा दोनों दुखी मन से सो जाते हैं। अब अगले दिन रोज की तरह भीमा सुबह 5 बजे उठकर समुद्र के किनारे मछली पकड़ने पहुंच जाता है। अब वह रोज की तरह अपनी नौका में बैठकर समुद्र के बीच में जाकर अपना जाल फेंकता है और उसमें बहुत सारी मछलियां फंस जाती हैं। लेकिन उसमें से एक बहुत बड़ी गोल्डन कलर की मछली भी फंस जाती है। अब वह जैसे ही जाल ऊपर खींचता है तो वह देखता है कि वह मछली बोल रही थी, मुझे छोड़ दो मछुआरे, मैं कोई आम मछली नहीं हूँ। अगर तुम मुझे समुद्र में वापस छोड़ देते हो तो मैं तुम्हें तुम्हारी मनचाही इच्छा पूरी करने का वरदान दूंगी। पहले तो भीमा उस मछली को बोलते देख बहुत डर जाता है, पर बाद में अपने नरम स्वभाव के कारण वह मछली को मुस्कुराकर कहता है, मैं भगवान की दिव्य शक्तियों में विश्वास रखता हूँ, मैं तुम्हें अवश्य ही छोड़ दूंगा। अगर तुम बोल सकती हो तो तुम जरूर इंसानों की ही तरह किसी दूसरे दिव्य दुनिया से हो। इतना कहकर वह उस गोल्डन मछली को समुद्र में वापस छोड़ देता है। उस मछली को समुद्र में छोड़ते ही वह देखता है कि वह मछली एक सुंदर महिला में बदल जाती है। वह सफेद कपड़े पहने समुद्र के बीचों बीच खड़ी हो जाती है और भीमा से कहती है, मैं समुद्र में रहने वाले जीव जंतुओं की महारानी जल देवी हूँ। मैं गलती से राजमहल से दूर हो गई थी और समुद्र के किनारे आ गई थी। मैं तुम्हारी इस उदारता से बहुत प्रसन्न हूँ। बताओ तुम मुझसे क्या मांगना चाहते हो? धन, दौलत, मकान, जो तुम मांगना चाहो। सबसे पहले तो मैं समुद्र की रानी को प्रणाम करता हूँ। वैसे तो मुझे आपसे धन या दौलत जैसा कुछ नहीं चाहिए, परंतु मेरी कोई संतान नहीं है। अगर आप मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देते तो मैं उसे जीवन दान की तरह समझूंगा। तथास्तु भवः, जैसा तुम चाहो वत्स। उसके हाथ से बहुत तेज बिजली की रोशनी चमकती है। तभी भीमा के हाथ में एक फल आ जाता है। ये फल जाकर अपनी पत्नी को दे देना, वो इसे आज से 5 दिन बाद पूर्णिमा की रात को खा लेगी। उसके बाद से सब ठीक हो जाएगा। ये है मेरा आशीर्वाद। ध्यान रहे, तुम मेरे बारे में और इस फल के बारे में किसी को कभी नहीं बता सकते। जी महारानी, मैं ध्यान रखूंगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपका सच गलती से भी किसी के सामने ना बोलूं। एक बात और, तुम्हारे बच्चे के पेट में होने के वक्त पर तुम्हें उसका बहुत ध्यान रखना है। कोई है जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहेगा। अब भीमा को इतना जरूर पता था कि रानी की बात में कुछ छुपा हुआ संदेश है और वह फल जरूर कोई जादुई फल है जिसमें जल की रानी का आशीर्वाद छुपा हुआ है। अब वह खुशी के मारे जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर अपने घर चला जाता है और जाते हुए रास्ते में सोचता है, ये जरूर भगवान का ही कोई संकेत है। और यह कहते कहते उसकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं। रमा, देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। क्या हुआ, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? देखो मुझे आज क्या मिला। मैं रास्ते से जब घर आ रहा था तो एक बूढ़े बाबा ने आशीर्वाद में मुझे एक फल दिया और बोला कि इसे तुम्हें दे दूं। अच्छा इधर लाओ, मुझे दे दो। पर इसमें इतना खुश होने की बात क्या है? रमा बिना सारी सच्चाई जाने वह फल आराम से खा लेती है और उसे उस फल को खाता हुआ देख भीमा की आंखों में नमी और अपने भविष्य की आशा झलक पड़ती है। ठीक महारानी के कहे अनुसार उसने रमा को कुछ नहीं बताया। 2 महीने बाद रमा को अचानक से चक्कर और उल्टी जैसा महसूस होने लगा। पहले पहले तो वो इसे आम बात समझकर टाल देती है, लेकिन जब 2-3 दिनों तक लगातार ये सब होता रहता है तब वह भीमा को जाकर बताती है। जी सुनते हो, मेरी तबीयत 2-3 दिन से बहुत खराब है। रमा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हमें तुरंत ही डॉक्टर के पास चलना चाहिए। अब वे दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं, सारे चेकअप कराते हैं। कुछ ही देर बाद डॉक्टर आते हैं और बोलते हैं, भीमा जी, आपकी पत्नी बिल्कुल ठीक है। खुशखबरी की बात यह है कि ये प्रेग्नेंट है, पर क्योंकि ये लेट प्रेगनेंसी है, इन्हें अपना खास ख्याल रखना होगा। ये बात सुनकर भीमा और रमा खुशी से फूले नहीं समाते और डॉक्टर से कहते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम बिल्कुल अपने बच्चे का खास ख्याल रखेंगे। भगवान ने बहुत दिनों बाद हमारी पुकार सुनी है। तभी ये बात सुंदर को पता चलती है।
और भीमा के बाद वे उसके घर चला जाता है। भीमा, रमा भाभी, कोई घर पर है? हाँ सुंदर भैया, बोलिए। कुछ नहीं, खुशखबरी का पता चला तो हालचाल पूछने आ गया, और कुछ फल भी लाया था आपके लिए। अरे भैया, इसकी क्या जरूरत थी, आइए ना बैठिए, भीमा आने वाले ही होंगे। नहीं बस चलता हूँ। ये क्या, तुम सेब खा रही हो? पर मैं तो सेब लाया ही नहीं था। अरे सुंदर भैया आए थे, वो देकर गए हैं। इतना सुनते ही भीमा डर जाता है और रमा के हाथ से सारा फल छीनकर फेंक देता है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, जब तक मेरी लाई हुई चीज ना हो तुम्हें नहीं खानी है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? अब भीमा डर कर मन ही मन सोचता है, रानी मेरे बच्चे की रक्षा करना। कुछ महीनों बाद रमा और भीमा की जिंदगी में अब खुशियां छा गई थी। उनके यहाँ एक लड़के ने जन्म लिया था जो बहुत ही सुंदर था। उसकी आंखें नीली थीं, इतना सुंदर था कि जो देखता तो देखता ही रह जाता। देखो कैसे खिलखिला रहा है, बिल्कुल तुम पर गया है। हाँ वो तो है, पर हम इसका नाम क्या रखेंगे? इसका नाम हम बट्टू रखेंगे। पर क्यों, और भी तो बहुत अच्छे अच्छे नाम है। वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। भीमा मुस्कुरा देता है, ये नाम उसने पानी से जुड़ा हुआ रखा था। वह मछली वाली बात अपनी जुबान पर नहीं आने देता, उसने यह बात सालों से छुपा कर रखी थी। अजी सुनते हो, लड़का हुआ है, कम से कम मोहल्ले में मिठाई तो बांटनी ही चाहिए। हाँ हाँ, मिठाई तो जरूर बांटेंगे, हमारे घर खुशियाँ जो आई हैं। अब जैसे ही ये बात गाँव में फैलती है और सुंदर को पता चलती है। ये मिठाई किस खुशी में बांट रहे हो भाई? अरे भीमा को लड़का हुआ है, तुम्हें नहीं पता? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो उसके पेट पड़ते ही भीमा की पत्नी को दवाई दे दी थी। अब मन ही मन सुंदर ये सब सोचने लगता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि बट्टू कोई मामूली बच्चा नहीं है। 4 साल बाद देखते ही देखते बट्टू बड़ा हो चुका था। उसकी नीली हुई चमकती आंख और उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा पहले जैसा ही था, मानो साक्षात देव जन्मा हो। बट्टू जरा इधर आना तो। अब बट्टू रमा के पास आकर बच्चों जैसी आवाज में बोलता है, पापा किधर है, मुझे उनके पास जाना है। पापा बाहर काम पर गए हैं बेटा, तुम उनके पास नहीं जा सकते। अब किसी वजह से बट्टू रोते रोते चुप ही नहीं होता। तभी रमा कहती है, यह जितना क्यों रो रहा है, ये तो कभी इतना नहीं रोता। वो जैसे ही उसे घर के बाहर अपने पिता से मिलवाने ले जाती है, वह समंदर की तरफ बहुत तेजी से भागता है। वह सुनते ही अपने पिता के कपड़े पकड़कर उन्हें घर की तरफ खींचने लगता है। क्या हुआ है बट्टू, इतनी तेजी से क्यों भाग रहे हो? पापा तूफान आ रहा है, घर चलो, सब चलो। पर जब भीमा देखता है तो मौसम एकदम साफ था, लेकिन वह समझ जाता है कि बट्टू जल परी के आशीर्वाद से जन्मा है, इसलिए वे पता लगा सकता है कि आगे तूफान आएगा या नहीं। सभी लोग किनारे से हट जाओ, मैं फिर से कह रहा हूँ कि बहुत तेज तूफान आ रहा है, सभी लोग वहाँ से जल्दी हट जाएं। अरे ये तो हमारा बेवकूफ बना रहा है, हैं? मौसम तो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है, देखो। अरे मैं समझ गया इसकी चाल, ये सब इसलिए कर रहा है ताकि सारी मछलियाँ ये पकड़ कर ले जाए, हम तो यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। हाँ कुछ देर बाद ही बट्टू के बताए अनुसार बहुत तेज तूफान आया और समुद्र से लंबी भयानक लहर उठती है। लोगों के घर, नौका और बहुत सारी चीजें बह जाती हैं। सुंदर और बसंत भीमा की बात नहीं सुनते और वे समुद्र में बह जाते हैं। पापा उन नीले शर्ट वाले अंकल को बचा लो। अब जैसे ही भीमा पीछे मुड़कर देखता है तो सुंदर और बसंत तेज लहरों के साथ बह रहे होते हैं। अब मैं इन्हें कैसे बचाऊं? लहरें बहुत तेज हैं। इन्हें बचाने गया तो मैं भी साथ में बह जाऊंगा। आप उन अंकल को बचाने जाओ पापा, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। भीमा को बट्टू की बात पर विश्वास था, क्योंकि उसे पता था कि जल के देवता की आशीर्वाद से जन्मा है ये। अब वह बिना कुछ सोचे समझे तेज लहरों में कूद पड़ता है
और सुंदर और बसंत को बचा लेता है। थोड़ी ही दूर खड़ा बट्टू समुद्र की ओर जल की रानी जल की देवी को देखकर मुस्कुराने लगता है। तभी सुंदर और बसंत आते हैं और सुंदर बट्टू को गले से लगा लेता है। गले लगाते ही सुंदर फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है, अगर आज तुम ना होते तो शायद हम सभी ना बच पाते। मैंने जलन के कारण हमेशा अपने जीवन में गलत चीजें की और उसका ही एक शिकार तुम जैसी नन्ही जान बन गई। मुझे माफ कर दो बेटे। कोई बात नहीं अंकल, मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ। इसके बाद वह बिना किसी डर के खुशी से रहने लगते हैं। बट्टू की इस मासूम भरी बात पर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं।